पहले दोस्तों बात करते हैं उत्तराखंड में डीएलएड के रिगार्डिंग। 131 पदों पर आपके यहाँ पर रिक्त रह चुके हैं डीएलएड में। चलिए इसके बारे में पूरी जानकारी आपको बता देता हूँ कि क्या कहा गया इसमें। और सेवा में माननीय संजय रावत जी, जो कि बीजेपी सांसद उम्मीदवार प्रतिनिधि लोकसभा हरिद्वार के द्वारा यहाँ पर मतलब इनको भेजा गया है ज्ञापन, जिसमें उत्तराखंड में डीएलएड प्रवेश परीक्षा 2021-22 में रिक्त सीटों को भरने के संबंध में, तो रिक्त सीट हैं उनको भरने के रिगार्डिंग है। इसमें महोदय निवेदन है कि जैसा कि आपको हमारे द्वारा समस्या के बारे में अवगत कराया गया है कि उत्तराखंड में डीएलएड प्रशिक्षण डीएलएड प्रतियोगी परीक्षा 2021-22 के द्वारा डाइट में 131 सीट खाली हैं, तो 131 सीटें यहाँ पर खाली हो चुकी हैं। और हम इसके संबंध में माननीय निर्देशक जो कि एससीईआरटी उत्तराखंड से मिले और उन्हें जो है उन्होंने उनसे हमें कोई सकारात्मक जवाब नहीं मिला, जबकि सरकार के द्वारा यहाँ पर दिए गए शासन आदेश में भी आदेश हुआ है कि जब तक ये सीटें नहीं भरी जाती तब तक जो है प्रतीक्षा सूची लगेगी, शासन के प्रति संलग्न है बताया गया है। और देखिए डीएलएड के जब तक पूरी कंप्लीट 650 सीटें होती है, हर एक जनपद में 50-50 सीटें रहती हैं, और ऐसे में उत्तराखंड में अभी वर्तमान समय में 131 सीटें यहाँ पर रिक्त रह चुकी हैं, तो जब तक के लिए 131 पद पूरे नहीं भरे जाते तब तक के लिए वेटिंग लिस्ट लगातार आती रहेगी ऐसा बताया गया है, जो कि यहाँ पर प्रति संलग्न भी कर रखा है बताया गया है। अतः हमसे आपसे निवेदन है कि यहाँ पर जो हमारे सांसद उम्मीदवार प्रतिनिधि के तौर पर जो है हमारी समस्या का हल करें और इस संबंध में जो अभ्यर्थी का भविष्य उज्जवल हो सके। तो आपको पता है कि उत्तराखंड में प्राथमिक लेवल में अब बीएड हटा दिया जा चुका है, एनएच डीएलएड हटा दिया जा चुका है, ओनली डाइट डीएलएड बचा हुआ है, जिनकी बाद आपको 2 साल ट्रेनिंग होगी, उसके बाद आपका श्योरिटी है कि आपकी 100% नौकरी लगी जाएगी प्राथमिक लेवल में। तो ऐसे में यहाँ पर जो है अब 131 पद खाली हो चुके हैं सीटें, तो उन सीटों को भरने के लिए वेटिंग लिस्ट निकालने की बात करेगी, जो कि शासन ने अभी तक नहीं निकाला है, जबकि यहाँ पर नियमावली कहती है कि बताया गया कि वेटिंग लिस्ट तब तक निकाली जाएगी तब तक के लिए यहाँ पर सीटें भरी नहीं जाती हैं। अब लगातार 3-4 वेटिंग लिस्ट 5-6 वेटिंग लिस्ट निकाल दी है लेकिन भरी भी नहीं भर रही है, तो ऐसे में वेटिंग लिस्ट आना बंद हो चुका है। तो इसी वजह से डीएलएड के कैंडिडेट कह रहे हैं कि भाई हमें 131 पदों का वेटिंग लिस्ट चाहिए, इसी के रिगार्डिंग जो है आने वाले समय में जो लोकसभा सांसद होने वाले प्रतिनिधि उनके को ज्ञापन दिया ताकि यहाँ पर उनकी आगे कार्रवाई बढ़ाई जाए, इसके लिए ज्ञापन दिया गया है, जो कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं इस तरह का यहाँ पर अपडेट आया हुआ।